दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मीशो सेलर डैशबोर्ड में कैटलॉग को अपलोड कर सकते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलम में आपको क्या चीज़ मेंशन करनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके की और भी वीडियो, हेल्पफुल वीडियो जो भी हम डालते हैं वो आप सबको टाइम से मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ और बताते हैं, देखिए आपको जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से अपलोड करना है और कौन से कॉलम में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होगी, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। देखिए हमें सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आ जाना है डैशबोर्ड पर और आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कैटलॉग अपलोड का ऑप्शन। ठीक है, कैटलॉग अपलोड के अंदर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये तो मैंने प्रमोशन पे क्लिक करा है, अभी इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कैटलॉग अपलोड पर क्लिक करके कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैटलॉग अपलोड पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपके सामने दिख जाएंगे, बाकी जो आपको और ऐड करने हैं तो आप ऐड सिंगल कैटलॉग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा आपकी प्रोडक्ट की जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। चाहे आप वुमेन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे अंडरगारमेंट के कर रहे हो, चाहे कोई ऑटोमोटिव प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है लगभग इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना एक प्रोडक्ट ऐड करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। आप इस वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और अपने डेस्कटॉप पर या फिर जहाँ पर भी आपने अपनी फ़ोटो, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको जहाँ पर भी सेव कर रखा है आपको वहाँ पर जाना है और उसको वहाँ से चूज़ कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर डाल रहा हूँ गाड़ी के कवर का फ़ोटो, तो मैंने यहाँ पर उसको ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है जहाँ पर आपको लिस्टिंग में एक एक करके सारी चीज़ें मेंशन करनी है वो आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले का जो कॉलम है इसमें मांगा गया है कि जो प्रोडक्ट है उसका वेट कितना है। आपको अपने प्रोडक्ट का जो भी वेट हो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, साथ ही साथ उसके बगल में स्टाइल कोड है, स्टाइल कोड आपको डालना हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ वो ऑप्शनल होता है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट का नेम, जो प्रोडक्ट का नेम आपका हो, जो भी आपकी कैटेगरी आप सेल करना चाहते हैं उसका आप अपना कोई टैगलाइन डाल दीजिए। जैसे कि आप कोई कस्टमर सर्च करेगा, जैसे कि मैं कार कवर बेच रहा हूँ तो मैंने अपना ब्रांड का नाम डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने कार कौन सी है, रिट्स कार है, कार बॉडी कवर, रिट्स कार बॉडी कवर, और कौन सा कलर है, रेड एंड ब्लू। इस तरीके से आपको अपना जो भी आपका प्रोडक्ट हो वो आपको यहाँ पर टैगलाइन में, प्रोडक्ट नेम में मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद आप आएंगे नेक्स्ट कॉलम में और नेक्स्ट कॉलम में आपको देखिए यहाँ पर साइज का डालना है। साइज हमेशा यहाँ पर आपको फ्री साइज ही डाल के अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है इन्वेंट्री का कॉलम कि इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, आपके पास कितना स्टॉक है, आपको 100, 200, 500, 1000 जो भी आपका स्टॉक है वो आपको स्टॉक यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद कई सारे कॉलम्स ओपन होंगे, ये हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होंगे। मेरा जो प्रोडक्ट है वो कार कवर का है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आ रहा है। बाकी आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आपको यहाँ पर एक एक करके देख लेना है और उसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है, तो आपको यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग का नाम डाल देना है या फिर लोकेशन डाल देनी है। उसके बाद आपका दूसरा कॉलम आता है पैकर डिटेल के, आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर पैक होता है, तो आपको वो पैकिंग वाला जो डिटेल है वो नाम या फिर एड्रेस वहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। और मेंशन करने के बाद देखिए नीचे एक और ऑप्शन आएगा जिसमें आपका लिखा होगा कि मीशो का प्राइस, मीशो का जो भी आपको प्राइस रखना है या जो भी आपको प्राइस चाहते हो डालना वो प्राइस आप अपना यहाँ पर मेंशन कर दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया। और उसके बाद टैब का इस्तेमाल करोगे, टैब का इस्तेमाल करते ही आपका राइट साइड के कॉलम में डिफेक्टिव प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा और राइट साइड में एक और यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका सेटलमेंट अमाउंट जो आना है बैंक में
वो कितना आना है। नीचे वाले कॉलम में आपको देखिए एमआरपी का कॉलम आ रहा है, और एमआरपी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो आपको जीएसटी लगता है वो जीएसटी आपको सेलेक्ट कर लेना है, एचएसएन कोड अपना डाल देना है। उसके बाद सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आपको डालना चाहो तो डाल सकते हो, आपको जो भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड समझ में आ रही हो तो डाल सकते हैं। बाकी आपको ये डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है यहाँ पर, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट की जो भी उसकी खासियत है, जो भी उसकी अच्छाइयाँ हैं, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इस तरीके से आपके बाद देखिए यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा सबमिट कैटलॉग, आपको सबमिट कैटलॉग पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये कैटलॉग यहाँ पर कंप्लीट अपलोड हो जाएगी, और कुछ ही देर में यहाँ पर ये आपकी वेरीफाई भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।